अभी तक हम बात कर रहे थे गूगल क्यों इम्पोर्टेंट है और वो कैसे अपने सर्च इंजन को बेहतर करता है और कैसे हमें उसके साथ चलना है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर फिट बैठती है और हमें कैसे उसको एक बड़ी स्ट्रैटेजी में यूज़ करना है ताकि हम अपनी वेबसाइट को बेहतर बना सकें और उसको हम रैंक करवा सकें। इसके लिए मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखाऊंगा जिसके तहत आपको ये समझ आ जाएगी कि SEO का रोल कहाँ पर प्ले होता है और कहाँ पर जाके हमें बाकी चीज़ों को समझ आती है कि वो किस तरह से डिफरेंट हैं और ये किस तरह से डिफरेंट हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि किसी भी वेबसाइट पे ट्रैफिक आने के चार बड़े चैनल्स होते हैं, जिसमें सबसे नंबर वन सर्च है, सर्च के बाद सोशल, सोशल के बाद डायरेक्ट और डायरेक्ट के साथ एक रेफरल है। ये चार बड़े मीडियम्स हैं जिससे आपको ट्रैफिक आ सकती है। सर्च का मतलब ये है कि आपको कोई सर्च करके ढूंढ के किसी सर्च इंजन से आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, वो सर्च से ट्रैफिक कहलाएगी। दूसरी चीज़, अगर आप सोशल मीडिया देखें उसका मतलब ये है कि कोई आपको सोशल मीडिया चैनल से ढूंढ रहा है या उसने किसी और की पोस्ट देखी है या आपका पेज देखा है, किसी भी तरह से वो किसी सोशल मीडिया चैनल से वो आपकी वेबसाइट पे आया है, उसको हम सोशल ट्रैफिक या सोशल से मीडिया से ट्रैफिक बोल सकते हैं। तीसरी, जब हमने बताया कि वो डायरेक्ट ट्रैफिक है, तो डायरेक्ट ट्रैफिक का मतलब ये है कि लोग जो आपको जानते हैं वो आपकी डोमेन गूगल में लिखेंगे या वो आपका नाम गूगल में लिखेंगे या डायरेक्टली आपका URL ब्राउज़र में डालकर आपको विजिट करेंगे और वो डायरेक्टली आपके पास आ जाएंगे। सो ये जो डायरेक्ट ट्रैफिक है ये बेसिकली किसी चैनल से नहीं आती, ये डायरेक्टली आपको जानते हुए आपकी डोमेन ओपन करते हैं और उसको हम डायरेक्ट ट्रैफिक कहते हैं। चौथी कैटेगरी वो होती है जो आपको किसी और वेबसाइट से लिंक क्लिक करके आते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी वेबसाइट का नाम या आपकी वेबसाइट का लिंक किसी और वेबसाइट ने डाला हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर, सो हो सकता है कि आपने कहीं आर्टिकल लिखा हो या आपकी कहीं न्यूज़ पब्लिश हुई हो किसी बड़े अखबार में, तो लोग वहाँ से न्यूज़ पढ़ते हुए वहाँ क्लिक करें और आपकी वेबसाइट पर विजिट करने आ जाएँ, तो उसको बोलते हैं रेफरल ट्रैफिक। रेफरल ट्रैफिक का मतलब ये है कि किसी ने हवाला दिया है, किसी ने आपको रेफ़र किया है, वो ट्रैफिक रेफरल ट्रैफिक में काउंट होती है। और ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि हमें कैटेगराइज करना होता है कि हमारे कौन से चैनल ज़्यादा मजबूत हैं या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जब ये चैनल्स हमें समझ आ जाती है तो हमें ये भी समझ आ जाती है कि कौन से चैनल्स वीक हैं। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग चैनल्स को प्रमोट करेंगे और वीक चैनल्स को भी हम कोशिश करेंगे बेहतर करने की, तो हमारी ओवरऑल स्ट्रैटेजी बेहतर होती जाएगी। सो सर्च को अगर थोड़ा सा मैं मज़ीद एक्सप्लोर करूँ, सर्च के अंदर दो कैटेगरीज बन जाती हैं। सर्च में ट्रैफिक ऑर्गेनिक मीडियम से भी आती है और फिर सर्च में ट्रैफिक पेड मीडियम से भी आती है। तो सर्च ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि सर्च पे ऑर्गेनिक किसी ने बकायदा सर्च किया और उसने एड्स की बजाय नीचे रिजल्ट्स पे क्लिक किया, तो वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहलाती है। क्यों? क्योंकि किसी ने भी जब लिंक किया आपको क्लिक किया, उसने आपकी ऑर्गेनिक लिस्टिंग पे क्लिक किया है। ये ऑर्गेनिक लिस्टिंग वो लिस्टिंग है जो गूगल अपने एल्गोरिथम से ये समझते हुए आपको रैंक करता है कि आप बेहतरीन रिजल्ट हैं उसकी क्वेरी के अगेंस्ट जो भी उसने सर्च किया था। सो वो ट्रैफिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। तो जब भी आप SEO करते हैं तो बेसिकली आप ये सर्च ऑर्गेनिक की ट्रैफिक SEO के अंदर फॉल करती है और हम SEO के थ्रू इस ट्रैफिक को एनहेंस करते हैं। लेकिन हमें ये भी पता है कि गूगल हमें एड्स अलाउ करता है, तो अगर हम किसी जगह पे या किसी कीवर्ड के अगेंस्ट फ़ौरन रैंक नहीं कर सकते या फ़ौरन हम ट्रैफिक नहीं ले सकते, तो हम उस कीवर्ड पे ऐड लगा सकते हैं ताकि हमें ट्रैफिक आना शुरू हो जाए जबकि हम SEO पे काम कर रहे हैं। तो वो ट्रैफिक सर्च पेड में कहलाएगी, वो पेड चैनल से आएगी लेकिन वो सर्च के थ्रू आएगी। तो वो सर्च पेड बेसिकली PPC कैंपेन्स या SEM या सर्च इंजन मार्केटिंग के नाम से जानी जाती हैं। ये वो सर्विसेज हैं जो सर्च के थ्रू हमें मिलती हैं। जिस तरह से सर्च के ऊपर ऑर्गेनिक और पेड है, इसी तरह से सोशल के ऊपर भी ऑर्गेनिक और पेड लिस्टिंग पेड मीडियम्स मौजूद हैं। अगर आप ऑर्गेनिक सोशल की बात करें, तो सोशल में ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि किसी ने भी पैसे जो आपके एड्स हैं या पेड लिस्टिंग्स हैं उस पर क्लिक नहीं किया, उन्होंने बकायदा आपकी स्टेटस के ऊपर या किसी ने आपका स्टेटस शेयर किया हो या आपके पेज के ऊपर से कहीं से भी बगैर एड्स के क्लिक करके आए हों, तो वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहलाती है सोशल मीडिया से। ऑर्गेनिक का मतलब नेचुरल आप समझ लें कि बगैर किसी पुश के वो आपके पास आई है, आपने आपको पैसे नहीं देने पड़े, आपको किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ा कि भाई इसको ज़बरदस्ती दिखाओ। इसको
अगर आप दूसरी जुबान में समझें तो आपने वायरल कंटेंट का नाम सुना होगा, वो चीज़ जो अक्सर वायरल हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि अक्सर कोई वीडियो, अक्सर कोई स्टेटस, कोई इमेज पब्लिकली वायरल हो जाता है। वायरल का मतलब ये कि वो ट्रेंड हो जाता है, और ट्रेंड होने से मुराद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखते हैं, क्लिक करते हैं और वो आ जाते हैं। ये वो ट्रैफिक है जो पैसे देकर नहीं खरीदी जाती, ये वो ट्रैफिक है जो बेसिकली अच्छे कंटेंट से गेन की जाती है। इसको वायरल कंटेंट भी बोलते हैं, और सोशल मीडिया मैनेजमेंट, जो सोशल मीडिया मैनेजर्स जो हैं वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट के तहत इसको मैनेज करते हैं और आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लेकर आते हैं। इसी तरह से सोशल पे पेड भी होता है। आपको ये पता है कि पाकिस्तान में या दूसरे मुल्कों में जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर सोशल मीडिया चैनल्स पे हर बंदा मौजूद है, और जो मौजूद है उसको आप ऐड दिखा सकते हैं। सोशल मीडिया में भी ऐड लगते हैं, जिस तरह से गूगल में ऐड लगते हैं। आप क्या करते हैं कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं, उनको पैसे देते हैं, और उसके अगेंस्ट आपको वो आपका ऐड वो विजिबल कर देते हैं। वो ऐड पे कोई अगर क्लिक करेगा तो वो सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग के ज़िम्मे में आएगा, जिसमें आपको ये पता होगा कि यहाँ पर क्लिक करके जो भी आ रहा है वो आ तो सोशल मीडिया से रहा है, लेकिन ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है, ये पेड ट्रैफिक है। पेड ट्रैफिक का मतलब ये है कि आपको पैसे देने पड़े थे, और पेड और ऑर्गेनिक में चाहे वो गूगल पे हो चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, दोनों में बड़ा फ़र्क ये है कि आपको पैसे देने पड़ते हैं पेड के अंदर, और आपको ऑर्गेनिक में पैसे नहीं देने पड़ते। उसमें आपको क्वालिटी देनी पड़ती है ताकि वो इतना अच्छा कंटेंट हो कि आपको बजाय किसी को पैसे देने के आप उसको खुद ब खुद लोग उसको पसंद करें और वो आगे वायरल करें, आगे शेयर करें। सो ऑर्गेनिक और पेड में मेजरली ये फ़र्क है, चाहे वो गूगल पे है चाहे वो सोशल के ऊपर है। सो गूगल के ऊपर होगी तो गूगल अच्छे कंटेंट को रैंक करेगा, सोशल पे होगी तो सोशल कंटेंट ज़्यादा शेयर होगा। सो दोनों में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली दोनों ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहलाते हैं। पेड में आ जाएं तो गूगल के ऊपर लोग ऐड चला सकते हैं कीवर्ड के अगेंस्ट, सोशल के ऊपर ऐड चला सकते हैं डेमोग्राफिक्स के अगेंस्ट कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, या आपकी पसंदीदा चीज़ें क्या हैं, आपके कौन कौन से पेजेस लाइक करते हैं, उसकी बेस पे आप ऐड चला देते हैं। डायरेक्ट, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि डायरेक्ट में लोग डायरेक्ट विजिट करके आते हैं, और रेफरल में लोग किसी और वेबसाइट से क्लिक करके आते हैं। सो ये सारी ट्रैफिक के डिफरेंट चैनल्स हैं जो हमने अंडरस्टैंड किए। इन सब में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक चीज़ क्या है, वो है कॉन्टेंट। सो अगर आपके पास कॉन्टेंट नहीं है तो आप कोई भी चैनल एक्टिवेट नहीं कर सकते। आपका कंटेंट सब चीज़ों पे भारी है, चाहे अगर आपने गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेनी है तो आपको कंटेंट चाहिए, अगर आपने गूगल से पैसे दे के ट्रैफिक लेनी है तो भी आपको कंटेंट चाहिए, क्योंकि जब लोग क्लिक करेंगे तो किसी जगह पे लैंड करेंगे, और अगर वहाँ पर कुछ अच्छा ना हुआ तो लोग इवन दो कि आप पैसे दे कर ट्रैफिक ले रहे हैं वो फिर भी आपकी वेबसाइट छोड़ जाएंगे, क्योंकि वो यूज़र को आप ज़बरदस्ती ला तो सकेंगे, ज़बरदस्ती ना सही, कम से कम पे करके आप ला तो सकेंगे, लेकिन उनको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि जब तक उनको उनकी मर्ज़ी का कंटेंट नहीं मिलेगा वो आपकी वेबसाइट छोड़ जाएंगे। इसी तरह से सोशल मीडिया पे भी आप जिसको मर्ज़ी जो स्टेटस मर्ज़ी दे दें, जब वो क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आएंगे तो आपको कंटेंट चाहिए, और आपको सोशल मीडिया के ऊपर भी कंटेंट चाहिए। और अगर आप ऐड चलाएंगे तो अगेन आप जिस पेज पे लैंड करवाएंगे उनको, जहां वो क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाएंगे वहां पर भी कंटेंट चाहिए, और ऐड के लिए भी कंटेंट चाहिए। इसी तरह से डायरेक्ट ट्रैफिक पे भी कोई वेबसाइट विजिट करके आए, डायरेक्ट यूआरएल आपका लिख कर आपकी वेबसाइट पे आए तो वहां पर भी आपको कंटेंट चाहिए, और अगर रेफरल कोई आपको लिंक करेगा तो वो भी कंटेंट चाहिए। सो असल में हासिल ये हुआ इस डिस्कशन से कि हमें कंटेंट को इग्नोर नहीं करना, और कंटेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट में या आपकी पूरी मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि कंटेंट ही सब चीज़ों को ड्राइव करता है। ये एक पेट्रोल की तरह काम करता है कि आप कोई भी गाड़ी ले लें उसके लिए फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये फ्यूल के तौर पे काम करता है। सो आपकी मार्केटिंग को अगर चलना है तो आपको उसको फ्यूल देना है, और वो फ्यूल कंटेंट की शक्ल में आपको बनाना होता है। और ये कंटेंट में अगर आप उसको पेड कर देंगे तो पेड कंटेंट है, अगर आप उसको फ्री कर देंगे ऑर्गेनिक कंटेंट में आ जाएगा। सो किसी भी तरह से आपको ट्रैफिक चाहिए, पेड हो चैनल से हो या ऑर्गेनिक से हो, सोशल से हो या सर्च से हो, ये सब चीज़ों के लिए कंटेंट एक मेन अहमियत का हामिल है, और इसके बगैर हम आगे नहीं चल सकते।